नमस्ते सदावत्सल मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत के ISC2 यानी कि दूसरे स्वदेशी विमान वाहक कैरियर को लेकर। दरअसल मौजूदा जो हमारे पास INS विक्रमादित्य है वो भारतीय नौसेना में इस साल नवम्बर में 10 साल पूरे कर लेगा, यानी कि अपनी सर्विस के 10 साल पूरे कर लेगा। और ये जो विमान वाहक पोत है INS विक्रमादित्य, इसमें कई तरीके की दिक्कतें भी आ रही हैं और बार बार नौसेना को इसके लिए काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका ये डाउन टाइम भी काफी ज्यादा है और रशियन जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी इसके सपोर्ट के लिए पूरी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। दरअसल 2020 से ही INS विक्रमादित्य अपने बड़े रिफिट के दौर से गुजर रहा है और आने वाले महीनों में फिर से ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इसलिए भारतीय नौसेना इस बात पर जोर दे रही है कि हमें 3 विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत है। दरअसल INS विक्रमादित्य एक रिफर्बिश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये 36 साल पुराना आप विमान वाहक पोत कह सकते हैं और अगले 10 से 15 सालों में ये विमान वाहक पोत पूरी तरीके से काम करने योग्य नहीं बचेगा। ऐसे में दूसरा विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना के लिए बेहद जरूरी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि INS विक्रमादित्य अगर सर्विस से हटा भी दिया जाता है तो इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना प्रशिक्षण विमान वाहक के रूप में करेगी, यानी कि ISC1 और ISC2 ऑपरेट होंगे। लेकिन 2030 के बाद तीसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत भी भारत को तैयार करना होगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE ने एक इम्प्रूव वेरिएंट वाला फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी कि FEDEC को तैयार किया हुआ है। आपको बता दें कि FEDEC एक डिजिटल कंप्यूटर जो कि ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए सर्वो ऑपरेटेड फ्यूल वाल्व को कंट्रोल करता है और इसका इस्तेमाल भारत के पहले अनमैन्ड स्टेल्थ स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए किया जाएगा। दरअसल गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अब अपने प्रोडक्शन पार्टनर को ढूंढ रही है जो कि FEDEC यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल को तैयार कर सके और इसे और ज्यादा रिफाइन कर सके ताकि इसका प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। दरअसल दोस्तों FEDEC इंजन को किसी भी स्थिति में पीक एफिशिएंसी देता है। FEDEC को वर्तमान उड़ान स्थिति से कई इनपुट की आवश्यकता होती है जैसे कि हवा का घनत्व, थ्रस्टर लीवर की स्थिति, इंजन का तापमान, इंजन का दबाव और कई अन्य पैरामीटर्स। कहा यह जा रहा है कि FEDEC को फेल प्रूफ होना चाहिए क्योंकि FEDEC का फेलियर का मतलब है इंजन का फेल होना जो कि इसे आधुनिक जेट इंजन में सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स में से एक बनाता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए टर्बोप्रॉप और टर्बोफैन पावर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दोनों को स्वीकृत कर चुकी है जिसमें कि अब एयरबस A400M फ्रंट रनर बन चुका है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है वो मोस्ट एडवांस और सर्टिफाइड एयरलिफ्टर है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से तैयार हो रखा है और ये भारतीय वायुसेना की पेलोड क्षमता को भी पूरी करता है। दरअसल भारतीय वायुसेना पहले ही 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्ट जो कि टाटा एयरबस फैसिलिटी में गुजरात में तैयार किए जाने हैं जिसके लिए 240 इंजीनियर्स को ट्रेन होने के लिए एयरबस फैसिलिटी स्पेन में भेजा गया है। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात फैसिलिटी में ही स्वदेशी सप्लाई चेन का इस्तेमाल करते हुए A400M टेक्टिकल एयरलिफ्टर को भी बनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यूरोपियन फर्म MBDA ने अपनी एक्सोसेट AM-39 एयरबॉर्न एंटीशिप मिसाइल वर्जन की पेशकश भारतीय नौसेना को की है जिसे कि 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा और इसके बाद इसे भारत के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में भी लगाया जा सकता है। एक्सोसेट AM-39 इसका वजन 670 किलोग्राम है। ये सी स्कीमिंग एंटीशिप मिसाइल है और इसकी रेंज है 70 किलोमीटर और ये फायर एंड फॉरगेट क्षमता वाली मिसाइल है। वहीं MBDA ने इस बात की भी घोषणा की है कि ASRAM क्लोज कॉम्बैक्ट मिसाइल का इंटीग्रेशन तेजस मार्क 1A टेस्ट बेड पर पूरी तरीके से चल रहा है और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में ASRAM मिसाइल लगी होंगी जब इंडियन एयरफोर्स के लिए उत्पादन के लिए शुरू हो जाएगा जो कि 2024 से होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि MBDA से ही आ रही है। दरअसल MBDA अब अपनी एक्रॉन MP5 जनरेशन टैक्टिकल कॉम्बैक्ट मिसाइल की पेशकश करेगा भारत को जिसे कि आने वाले एरो इंडिया 2023 में किया जाएगा। MBDA ने कहा कि एक्रॉन जिसका वजन 15 किलोग्राम है ये लाइट वेट मीडियम वेट एंटी टैंक और एंटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिसाइल है। इसका इस्तेमाल ओपन फील्ड ऑपरेशन और अर्बन वॉरफेयर के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसमें रात और दिन में हमला करने की क्षमता है और फायर और फॉरगेट क्षमता के साथ ही आती है। इसका इस्तेमाल लूप मोड में भी किया जा सकता है। बात करें इस मिसाइल की फीचर्स की तो इसमें हाई रेजोल्यूशन मल्टी बैंड इमेजर्स, मल्टी इफेक्ट वॉरहेड्स और मल्टी मोड गाइडेंस एल्गोरिथम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स पर आधारित है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर है। साथ ही इसका जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है इस वजह से इसे आर्मर्ड व्हीकल्स, रिमोट वेपन स्टेशंस, नेवल वेसल्स और डायरेक्ट फायरिंग पोस्ट एडेप्टेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 850 यानी कि 850 स्वदेशी नैनो ड्रोन्स की खरीद के लिए, जिन्हें की फास्ट ट्रैक और बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा। कहा जा रहा है कि इनका इस्तेमाल सर्विलांसिंग के लिए किया जाएगा स्पेशल मिशन में, यानी इनका इस्तेमाल चाइना के साथ लगते नॉर्दर्न बॉर्डर, इसके अलावा LOC पर काउंटर टेरर ऑपरेशन में भी किया जाएगा। दरअसल ये जो नैनो ड्रोन्स हैं वो बैटरी से ऑपरेटेड होने चाहिए, इनका वजन 250 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, इनकी मिशन रेंज कम से कम 2 किलोमीटर हो, इंड्यूरेंस टाइम 30 मिनट का होना चाहिए। नैनो ड्रोन में GPS नेविगेशन सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए और साथ ही ये GPS डिनाइड एरिया में भी ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना और US एयरफोर्स कॉप इंडिया 2023 एक्साइज में भाग लेने वाली हैं, जिसे कि इस साल अप्रैल में किया जाएगा। इसमें फाइटर जेट्स, एवॉक्स और एयर रिफ्यूलर, साथ ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे दोनों ही एयर फोर्सेस के, और इस एयर एक्साइज में एयरमैन मिशन की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कि एयर मोबिलिटी ट्रेनिंग, एयर ड्रॉप ट्रेनिंग, लार्ज फोर्स एक्साइज और एयर कॉम्बैट और अटैक ड्रिल्स भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि अग्निवीर रिक्रूटमेंट को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने अब अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने की घोषणा की है। अब अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, इसके बाद फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट होंगे। सेना की तरफ से कहा गया है कि पहला ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। सामान्य प्रवेश परीक्षा देश भर में लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस तरीके की बदली गई प्रणाली से इसकी देश भर में व्यापक पहुंच होगी और भर्ती रैलियों के दौरान देखी जाने वाली बड़ी भीड़ को भी कम किया जा सकेगा। दोस्तों यानी कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया से पहले जो अभी तक उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस परीक्षण से गुजरना पड़ता था और उसके बाद मेडिकल परीक्षण और ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए उपस्थित होना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहला कदम कर दिया गया है। इसमें स्क्रीनिंग को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि ये जो नई प्रक्रिया है वो लगभग 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी, जो 2023-2024 के अगले भर्ती चक्र से सेना में शामिल होने को इच्छुक हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना पिछले 5 सालों में काफी मजबूत हुई है। LAC हो या LOC पर दुश्मन को हर तरीके से माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार हो चुकी है और भारत में डिफेंस इक्विपमेंट्स का भारी जखीरा देखने को मिल रहा है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत ने पिछले 5 सालों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और स्पेन जैसे देशों से 1.9 लाख करोड़ रुपए के सैन्य हथियार खरीदे हैं। भारत ने विदेशों से सैन्य उत्पादों में हेलीकॉप्टर, रॉकेट, बंदूकें, असॉल्ट राइफल्स, विमान रडार, मिसाइल और गोला बारूद खरीदे हैं। इस बारे में जानकारी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी। उन्होंने कहा कि भारत ने 2017-2018 में सैन्य उपकरणों के लिए 264 सौदों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से विदेशी विक्रेताओं के साथ 88 सौदे शामिल हैं। हालांकि दोस्तों विदेशों से हथियार खरीदना एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि समय की मांग फिलहाल तो यही कहती है, लेकिन भारत ने स्वदेशी हथियारों पर भी उतना ही ध्यान लगाया है ताकि हमारी निर्भरता आने वाले समय में इन विदेशी हथियारों पर कम हो सके। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष मलबे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के पास 111 पेलोड्स और 105 अंतरिक्ष मलबा है, यानी कि स्पेस डिब्रीज हैं। उन्होंने कहा कि भारत के ये जो पेलोड और अंतरिक्ष मलबा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसरो अंतरिक्ष पर्यावरण पर बढ़ते अंतरिक्ष के मलबों के प्रभावों को लेकर भी कई तरीके के अध्ययन कर रहा है। साथ ही उन्होंने गगनयान के बारे में भी बताया कि इस मिशन की उपलब्धि के बाद ही भविष्य के मिशन शुरू किए जाएंगे। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।